गणन प्रभु लोक मनन पढ़न जो समय की लोड़ है और जो इस घड़ी दे लई मांग है वो तो वचन बनन दी है और सिख्या है कि जब असि वचन खाते हाँ वचन खाते हाँ असि वचन ही बन जाते हैं और वचन तू लैन ले आ रहा है। मेरी बेनती है सारी मदद कर प्रभु अज संगति सफल संगति बने और असी धार्मिक रीतां रिवाजां रस्मां को परे हो जाइए और आजादी के नाल भक्ति करिए क्योंकि जिथे पवित्र आत्मा है उस जगह की आजादी है। मेरे अपने हाथों से लै हर एक भैन भरा अपने हाथों से लै तरह तरह के आत्मे हैं जिन्हों के नाल हुण लड़ाई होगी वो सब पराजित किए जा सब अपने कदम के हेठ लेंदे हाँ। तेरा वचन बुलंद हो तेरा वचन उच्चा हो और तेरा वचन ही उच्चा उठाया जाए और तेरा वचन अपने वालों कान खिंच लवे और वचन बन जा प्रभु तेरे तरीके नाल तेरा काम हो गए। ऐसा बेबस हाँ ऐसा कुछ करें जो कि नहीं है और तू ही सब कुछ करता है और इसके लिए प्रभु मैं तेरे हथा च सारिया चीजा दिता हाँ। भैन भरावान के लिए धनबाद जिन्हें भी आ रहे हैं गवाइया के लिए भी धनबाद तेरे वचन लिए जो तू देना है उसके लिए धनबाद प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच प्रार्थना करते हैं आमीन। प्रभु तुम बरकत देवे मेरे नाल मत्ती दी किताब कर लो ते बाप मत्ती दी किताब ते बाप दो जगह तो पढ़ना है और वो दोनों ही जगह मत्ती दी किताब चां ते बाप 13 तो लेके 15 मत्ती दी किताब 13-15 पर हे कपटी ग्रंथियो अते फरीसियो तुहाडे उते हाय हाय इसलिए जो तुसी स्वर्ग दे राज नूं मनुखां दे अगे बंद करदे हो क्यों जो उस विच ना आप बढ़दे ना बढ़न वालिआं नूं बढ़न दिंदे हो। हे कपटी ग्रंथियो अते फरीसियो तुहाडे उते हाय हाय क्यों जो तुसी एक मनुख नूं अपने पंथ विच रलाउण लई जल थल गाउंदे हो अते जां उह आ चुक्या तां तुसी उहनूं अपने नालों गूणा नरक बणाउंदे हो नरक दा पुत्तर बणाउंदे हो। मत्ती 9:14-17 तक पढ़ांगे असीं मत्ती दी किताब 9:14-17 तक। तद यूहन्ना दे चेलियां ने उहदे कोल आण के कहा जो एदा की कारण है कि असी अते फरीसी बहुत वर्त रखते हाँ पर तेरे चेले वर्त नहीं रखते। यीशु ने उन्होंने आख्या जिन्ना चिर लाड़ा जनेतियां दे नाल है भला उस सोख कर सकते हाँ पर वो दिन आउणगे जब लाड़ा उन्होंने हट किया जाएगा तब वो वर्त रखेंगे। पुराने कपड़े नूं कोरे की टाकी कोई नहीं लाउंदा क्यों जो टाकी जिहड़ी लाई है उस कपड़े तो कुछ खिंच लेती है और जो लंगार बढ़ जाता है अते ना नवी मैं नूं पुरानियां मशकां विच पाते हाँ नहीं तो मशकां पार जांदियां अते मैं बढ़ जाती अते मशकां दा नाश हो जाता है पर नवी मैं नवीआं मशकां विच पाते हाँ सो दोवें बच लैंदियां हाँ। सानूं कुछ नवा चाहिदा है प्रभुतान बरकत दे कृपा करके बैठ सकते प्रभुतान बहुत बरकत दे। मैं प्रचार करन लगा हाँ मेरा विषय आया मसीह बना धर्म क्राइस्ट वर्ज रिलीजन आमेन। मसीह धर्म के विरोध है यह मतलब है आमेन। और मैं गल करनी मत्ती 1-3-4 चैप्टर देते फिर 9 चैप्टर में लवेंगे थोड़ा जा एक 4 चैप्टर की घर जाके पढ़ लियो और फिर तुम समझ आ जाएगी असी गल्ला की करते मेन असी मत्ती की किताब से रुकांगे आमेन।
जब मत्ती की किताब पढ़ते हैं एक दो में चल कर लग्या आमें मसीह दे नाल जिन्नियां भी चीजां संबंध रख दियां हुण हिलदुल बंद कर दियो सारियां चीजां नूं सैट करो आमें जब असी मत्ती दी किताब पढ़ते हैं और असी वेखते हाँ कि जिन्नियां भी चीजां मसीह दे नाल संबंधित हन जिन्हिया भी मसीह के नाल घटना घटदिया हैं वो धर्म तो बाहर है। उस समय यहूदी धर्म असली धर्म सी, सच्चा धर्म सी, बिल्कुल ठीक धर्म सी, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने खुद स्थापित किया हुआ धर्म सी और धर्म पवित्र वचन के उत्ते आधारित धर्म सी। आमें। 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 सच्चाई ने पवित्र वचन दे ते आधारित धर्म सिगा पर जब मसीह आ रहा है और जो भी घटनावां उहदे जीवन च घट रही हैं हर एक घटना हर एक काम जिहड़ा आ उह धर्म तो बाहर है। किस धर्म तो बाहर? जो सच्चा, किस धर्म तो बाहर? जो लिखता दे उत्ते आधारित है। दूजे शब्दों दे विच मसीह के जीवन जो कुछ हो रहा जो घटनावां घट रही धर्म के नाल कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। आमीन। मसीह का जन्म हो रहा मत्ती दी किताब एक अध्याय च, ये जन्म हो रहा धर्म तो बाहर। हालेलुया। मत्ती एक दा लेखा सानू दसदा है कि जब यीशु मसीह का जन्म होया यरूशलम तो बाहर होया हैकल तो बाहर होया और एदा पवित्र याजकां दे नाल, चलो एदा कि ये पवित्र पादरियां दे नाल कुछ लेना देना नहीं। आमीन। और परमेश्वर ने जिब्राइल दूत नूं भेजिया पादरियां दे टब्बर विच नहीं, परमेश्वर ने जिब्राइल भेजिया किसी उस आदमी दे कोल नहीं जो हैकल दे विच दुआ कर रहा सी। परमेश्वर ने जिब्राइल भेजिया जिथे कुछ नहीं कर रहा, ना दुआ कर दे, ना हैकल च बैठे, ना धर्म ना लेना देना। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਮਰੀਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਨਗਰ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, एक बेचारी गरीब जो गलील दे विच रहिंदी आ, उस गलील दे विच जिहदे बारे च यूहन्ना 7 बाब 52 53 च लिखिया, उन्होंने उस नूं यीशु मसीह नूं क्या भला तू भी गलील तो है, भाले ते वेख जो गलील विचों कोई नबी नहीं उठदा। हालेलुया। तो व्यवहारिक रूप दे विच जो कुछ भी घटना घट रही है और जो कुछ भी संबंध इस लड़की का है, आमीन, इहदे हालात की हैं, ये परिवार किसकी है, ये रहिंदी कित्थे है, और इहदा ना ये यरूशलम तो है, ना इहदा संबंध किसे हैकल जां मंदिर जां भवन दे नाल है, ना ही ये कित्थे पवित्र याजकाई दे नाल संबंध रखदी है। और जो कि असली धर्म है और जो कुछ हो रहा ਹੁਣ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੈਕਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ
ਉਹਦਾ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਸਰਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਆਮੇਨ ਪਰ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਯਾਨੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸੱਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ अचानक छेती नाल ही बैतलहम चो बाहर लै जाया गया हालेलुया सो मसीह दे जन्म दा धार्मिक रीता रिवाजा दे नाल या धर्म दे नाल या धार्मिक लोकां दे नाल कुछ भी वास्ता जा लेना देना नहीं सी बल्कि देखे कि किसी भी धार्मिक बंदे नु पता थोक नहीं लगा कि मसीहा पैदा हो गया हालेलुया और फिर मत्ती दी किताब दो बार आमेन मसीह पैदा हो गया ते मसीह नु जिन्हें लभ्या उन्हां दा भी धर्म दे नाल कोई लेना देना हालेलुया आमेन उहदा भी धर्म दे नाल कोई भी लेना देना नहीं बढ़िया किता भाई बच्चे कितनी बारी जाया जी हालेलुया ਕਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਖੀ ਮਤੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਮੇਨ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਰਾਈ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮੇਨ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਆਮੇਨ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ ਧਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਰਵਾਏ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਆਮੇਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆਈਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਯਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਸੁਣੋ 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 ਆਮੇਨ ਸੁਣੋ ਹੈ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਆਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਏ ਸੁਣਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਵਾਂਗੇ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹੈਰੋਦੇਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਚੀਫ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਯਾਜਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ ਆਮੇਨ ਫਰੀਸੀ ਜਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੀਕਾ 5:2 ਆਮੇਨ ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 5:2 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਮੇਨ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ ਠੀਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਪਰ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਠੀਕ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਭ ਲਈ ਪਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਭੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਧਰਮ ਆ ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਆ ਮੁਰਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਡੈਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੀਕਾ 5:2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮੇਨ ਪਰ ਜਦ ਮਸੀਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਮੇਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਆਮੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ
ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਡੱਪੜੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਰਸ ਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਆਮੇਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਸੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਮੇਨ, ਔਰ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਜੁੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਲੋ ਪ੍ਰਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਲਾ ਤੋਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਆਮੇਨ, ਸਲਾਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਕਿਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਰਾ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ, ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕਿਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛਿਲ ਲਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟੇ ਫੇਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਗਲਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਆ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਡਮ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਧਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਤਿ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਜਾਓਗੇ।
जो तारे तो खुंजे का निशाने तो भी खुंजो हालेलुया पर जब तुसी आज धार्मिक लोगों के कोल जाओगे जो भी कोशिश करोगे लिखता में मुर्दा अखरा पूरा करन दे तू इस स्वर की तारे तो भी खुंजोगे तू अपने निशाने तो भी खुंजोगे और मसीह धन करने भी लगे मैंने उम्मीद है तुम समझ रहे हैं सो जो ये मजूसी जड़े सन इन्होंने यरूशलम को छोड़ दिया आमीन देखो बाइबल लिखा तारा फिर दिखाई देता किन्ना ही वधिया है कि साडे को स्वर्गी तारा होवे वो तो बिना यीशु मसीह को नहीं लग सकता हालेलुया ता ये ते देख दे कि यीशु मसीह दा लपड़ा यीशु मसीह नु मिलना यीशु मसीह को पहुंचना बिल्कुल धर्म तो बाहर है और ये देखा कि यीशु मसीह दा पैदा होना बिल्कुल धर्म तो बाहर है नंबर एक मत्ती एक यीशु मसीह पैदा हो रहा धर्म तो बाहर हालेलुया नंबर दो यीशु मसीह और तो बाद पैदा हो गया चाहिदा है कि कोई भी मिले किसे नु लंबे ता जदों लंबे आ गया हाथ मिले आ कितु मिले आ धर्म तो बाहर हालेलुया ए हन मत्ती दे दो चैप्टर पढ़ तीजा चैप्टर पढ़ दे यीशु मसीह आ गया आन लगा नहीं नहीं सच होने जो ना है कोई जो ना बपतिस्मा देने वाला है कोई मसीह आ गया कोई मसीह की पहचान कराई जा रही है हालेलुया यीशु मसीह का मिलना बिल्कुल धर्म तो बास यीशु मसीह का पैदा होना बिल्कुल धर्म तो बास है हुण बाइबल दसती है कि यीशु मसीह जब आएगा उसकी पहचान कराई जाएगी ओदी इंट्रोडक्शन दिती जाएगी मत्ती तीन बाब ये दसती है यीशु मसीह की पहचान करवाया जाना हालेलुया और ये यीशु मसीह की पहचान लोगों को कराई जाए ये भी संपूर्ण तौर पे धर्म तो बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रिकमेंड कर दिया एक बंदे नु के बंदा एदी भगती करो वो रिकमेंड कर दिया गवाही दे दिया कि एदी जुत्ती दा तस्मा खोलन दे भी मैं योग नहीं हां सुन रहे सारे हालेलुया हुण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहचान करा लिया मसीह आमीन वो जो पैदा होया जाजक के घर पैदा होया मतलब जाजक बनना सी उन्हें आमीन पीढ़ी दर पीढ़ी पर जाजकाई च नहीं रहा और मंदिर चबड़ी लिया हैकल चबड़ी लिया हैकल चबड़ी लिया ऐ तू तक की यरूशलम चबड़ी लिया ओथो के निकल गया हालेलुया और फिर ही देखते हैं कि वो दा सारी उम्र जंगल दे विच रिया वो जंगली था दे विच रिया किसे नु नहीं मिलिया जुलिया ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ये डेढ़ बजे आ रहे तो अपनी जगह लग रहे हैं आमीन हालेलुया तो ये देख रहे हैं कि वो जंगल च रहा किसे बंदे ने मिलिया
किसे जाचकाने नहीं मिलिया तो जंगली बन गया। प्रभुराम ने कहा कि एलिया बेटा जंगली बन गया, जब प्रभुराम जंगली वाइल्ड मैन, हालेलुया, वो जंगली बन गया। और उधर मसीह जो आ गया, मसीह की पहचान करवानी है, ते जंगल चो बाहर आया ऊंटा दे वाल बैठ के चमड़ी चुमड़ी जो भी कुछ लगा वो प्रेस किया कदे नहीं, वो ही कपड़ा बना लेता है ता कुछ गुण बन लेगा एदा कुछ क्यों सीधा ही सिर सीधा ही चुक लिया खेत। और इत भेट के वो आ गया मसीह की पछाण कराउण। धर्म की गल बहुत करते, हवालिया की गल बहुत करते। बाइबल कहती है लेविया की किताब 11 बार कि ऊठ शुद्ध है। जानी जमाना इन लोगों को दस रहा है दूजे शब्दों में कि तुसी अपने धर्म के नाल तुसी अपने हवालिया के नाल नोट कर लो बाद पढ़ लो यही है तुसी अपने धर्म नाल तुसी अपने हवालिया के नाल एक कहते हैं कि ऊठ शुद्ध है। तुहाडा धर्म का जो रूल या निजम या रूह रेगुलेशन या और तुहाडे धर्म की जिहड़ी सिक्ख्या आ ये दस दिया कि ऊठ शुद्ध है तो फिर मैं ऊठे ही हूं फिर मैं ऊठे हूं फिर मैं शुद्ध ही हूं। हालेलुया तुम की कहते हो कि योहन्ना ने कोई चज की गल की धर्म के अनुसार कि जब आया कोई शुद्ध पशु लपेट के बारह लपेट के तो की वो धर्म के उत्ते अटैक कर नहीं आया कि उन्होंने सट मार नहीं आया। हालेलुया और जो कुछ कर रहा धर्म के बिलकुल विरुद्ध सीगा जेडे लेट आया सुन हालेलुया और दूजे गल्ला च ना लेके जान जो कर रहा की है ये पंगा लगा ये लड़ाई नहीं है। हालेलुया आवाज पीछे पहुंच दिया थी सुन दे रहो हालेलुया ओ धर्म दे उत्ते सच सिगा बहुत वड्डी धर्म दे किसे भी हवाले च फिट नहीं आ रहा सी किसे भी ओ एक दे उत्ते फिट नहीं आ रहा सीगा धर्म दे सारे सिद्ध कर सकदे गलत या झूठा आ और धर्म ने किया भी और फिर वो खाना की खांदा आ जंगली शहद खांदा कोई धर्म नहीं सीगा चिंतन आया किसी धर्म मंदर वाला नहीं सीगा किसी धर्म का पैरोकार भी नहीं सीगा और सारे काम आज उन्हें धर्म के विरोध किए और धर्म जिन्हों कहता चंगे काम वोदे उल्ट पुठे काम किए। कोई ओदा धर्म नहीं सीगा जुगुंडा का और कोई ओदा सभ्याचार भी नहीं सी पहले के प्राइम भाषा बोल रही सी उची उची दुआ कर रही सी ये सभ्या तो बाहर लगता पर मैं प्रार्थना कर रहा प्रभु सारे क्यों लग जाते मैं प्रार्थना कर रहा सीगा और मैं अपने आप को रोकिया कि रो ना पावा मैं क्यों नहीं करता इतना मैं क्यों सभ्या है मैं भी प्राय भाषा बोलना बोलता रहता है अक्सर पर ऐसा नहीं बोलना कि रूल तोड़ रही है सारे किसी दिन और फिर पवित्र आत्मा उतरूगा कोई अर्थ भी करूंगा। हालेलुया ना कोई ओदा धर्म सीगा ना कोई ओदी सभ्यता सी वो धर्म के विरुद्ध सी। हालेलुया और वो मनुखी सभ्यता के भी विरुद्ध सीगा
क्योंकि उठते कपड़े पाई तो मरे आमें। सभी आ जाते विरोध और धर्म के विरोध हालेलुया और जो आया किसे हैकर च हाजरी गवा नहीं गया आया नहीं उधर हालेलुया कोई जगवेदी नहीं कोई ओने कुर्बानी नहीं चढ़ाई कोई ओ मंदिर च नहीं गया कोई किसे धर्म के नाल ओदा वास्ता नहीं किसे दा कोई मेल जोल नहीं और ना ही रुकी सभ्यता दे विच ओदा कोई लेना देना सीगा आमीन आमीन। पुरानी गल आ साडे भाई सियाला दी गल आ सखियां बैठ जांदे सी लोइयां नूं भेट के ओए लोइयां लैणियां ते उप्पर दी कल्ला अखां दिसणियां उहनां दी ते कई बार पता ही लगना केड़ा भाई बैठा आमीन आमीन। ता एकदम ये चीजा से परमेश्वर उन्हें सब को सभ्य किया लाइन दे विच किया बहुत सोहना आ टाइया लाइया आमीन। ता बड़ा बे कोट पहन के आ थ्री पीस सूट आ जने इदा दे बंदे लोग बहुत आंदे नाल पिछे और डॉक्टर आ और डिग्रियां आ पर यूहन्ना इस तरह किसी तरह का भी नहीं सीगा यूहन्ना ऊंट दे कपड़े पाई आ गया और होते वो की कर रहा भाइयो भैनो वो सचमुच जंगली सी सचमुच जंगली सी हालेलुया और ए मसीह दे अगे अगे चलन वाला दूत जंगली आमीन मसीह दे अगे अगे गवाही देने वाला आमीन घोषणा की देखो परमेश्वर का लेना जो जगह का पार चुकया जाता है किसी धार्मिक ने नहीं किसे पादरी ने नहीं किसे जानक ने नहीं किसे देवड़ा ने नहीं जो हवाले चुकी फिर देसी बीका देव सब दे मसीहा किसे ठीक ठीक पैदा होएगा वो दे किसे ने नहीं लेकिन एक जगदी आदमी के दे कबूतर नू तो मैं त्रात बार कबूतर भी नहीं वो दे क्या करता देखिया ये उसी जने को इशारा की थी कि बेहतर तरु पानी नाल बात कुछ मत बताया पर वो है जो तरवात पर पवित्र आत्मा नाल कोई धार्मिक काम नहीं है चलो ते बड़िया लख रुपए दी और इधर नदी के पिंडे जंगल च करी जा रहे काम हालेलुया हालेलुया ओ पैरो प्रभु की कह सकते हैं दस आज्ञा जने कदी कर दी की हवाले ने कदी चुके आ दस जानी व्यवस्था दी भी व्यवस्था मनो आ करो ओ करो हालेलुया लेकिन उथे जिन्ने लोग सीगे वो सारे दस आग्या मानते होंगे सी वचन दिया सारिया लिखता मानते सी शरण मनन वाले भी उनको आए फरीसी आए सदूकी आए यहूदियां दे सारे जाजक आए सब आए हालेलुया ये जिन्ने दस आज्ञावां मानते सी आ जिन्ने जिन्हां नूं हवालियां दे रट्टे लगे सी आ जिन्ने जिहड़े अजां दे बड़े महान सीगे ये सारे बहुत दूर सीगे परमेश्वर दे कोल और किसी नूं भी नहीं पता लगा कि मसीह है या और ओहदे अगे चलण वाला दूत ये यूहन्ना है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप चुक ले जाता है हालेलुया और नाई यूहन्ना ने कहा कि तौबा करो यूहन्ना ने
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੁਦੀ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ ਸੀ ਬੈਕਲ ਚ ਜਾਓ ਦਸਵੰਦ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਲੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਧਰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਮੇਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੋ ਮਨਾਚ ਪਰਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਓ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਓ ਡੋਬਣ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜਾਓ ਬਦਲ ਜਾਓ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜੋ ਆਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹਨੇ ਜੰਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜੰਗਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਢੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਾੜੀ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਗਾ ਨੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਰਖਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਿਪੜਿਆ ਪਰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲੀ ਆਦਮੀ ਜੰਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰੇਗਾ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਝੱਲੇਗਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੰਗਲੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਤੀ ਤਿੰਨ ਮਤੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤੀ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੰਬੀਏ ਲੰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਤੀ ਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮੇਨ ਕੁਛ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਆ ਝੁੰਡ ਮਿਲਿਆ 15 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜੋ 20 ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੈ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੈ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਮੇਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜਾਜਕ ਪਾਦਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਮਛਵਾਰੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ
पिछे पिछे तुर के किसी हैकल नहीं गए, पिछे पिछे तुर के पवित्र किसी भूमि च नहीं गए। हालेलुया। पर बाइबल दसदी जबलून की धरती अते नफ्ताली की धरती समुद्र की राह यद्रोपार प्राइयां कौमां दी गलील वो किसे कम हो गया प्राइयां कौमां किसे धर्म च नहीं किसे यरूशलम च नहीं उस वक्त गलील प्राइयां जाता का देश है। हालेलुया। और प्राइयां जातियां दे लोग रहिंदे जिन्हां दा धर्म दे नाल यहूदी धर्म दे नाल दस आज्ञा वाल कुछ लेना देना नहीं है। मत्ती 4:15 का हवाला दिता मैं। आमेन। तो देखिया मसीह का जन्म, मसीह का लभ्या जाना, मसीह की पछाण कराई जानी और हुण मसीह दे पिछे लोकां दा चलना पूरी तौर ते धर्म तो बाहर। आमेन। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह आया कला पैदा ही होके नहीं, मैं बहुत बार दसिया उन्हें छोटे रखना चाहते हैं पर बड़ा हो गया। हालेलुया। और जब आया हुण वो सेवकाई करना आया है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हुण सेवकाई करना आया। जब सेवकाई करना आया तो उसने आप आप अपने आप को लोगों के आगे पेश किया, लोगों को तो लपण की लोड़ नहीं सी, वो लपाया जा रहा है धर्म दे राही सिक्ख्यावां दे राही टीचिंग दे राही डॉक्टरी दे राही, तो किसी को नहीं सी, वो किधर भी नहीं सी, किसे क्यों दिया दी सच्ची सिक्ख्या सी, ठीक बोल रहा मैं। हालेलुया। ता जब अपनी पछाण कराउण आ गया जानी प्रचार करना आया पेश करना आया अपने आप नु, हालेलुया उदी आप अपने आप नु लोकां दे सामने पेश कीता जानी वो आप लोकां दे कोल आ गया। लोकां नु लोड़ नहीं सी उन्हें लभण दी, उन्हें क्या मनुख दा पुत्र गवाचिया मैनू लभण दी। हालेलुया। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਸ ਨਸੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤਾਂ ਇਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀਏ ਪੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਰਚਿਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਸਿਕਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। 9 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮੇਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਧਰਮ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਧਰਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ।
योहन्ना दे चेले यीशु मसीह दे कोल आउंदे आ। इही असीं पढ़िया योहन्ना मत्ती 9 दे विच, और आके कुछ धर्म दीआं गल्लां करदे आ। की तुसीं विश्वास कर सकदे आ कि थोड़े जिहे टाइम दे विच मसी 2 साल दी योहन्ना दी लागा होणी सेव कहे कोई इड्डी ज्यादा है नहीं सी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ योहन्ना बपतिस्मा देण वाला, हालेलुया, हालेलुया, जेदा धर्म दे नाल कोई लेना देना नहीं। ओ योहन्ना बपतिस्मा देण वाला जिने आके धर्म दे चिथड़े उड़ाए, ओ योहन्ना बपतिस्मा देण वाला, हालेलुया, हालेलुया, जेड़ा कोई भी धर्म दे नाल वास्ता नहीं रखदा सी ओदे चेले धर्म दे शिकार हो गए। ओदे चेले धर्म दे विच डिग पे और उन्होंने नवा धर्म बना लिया। कई बार असीं कहिंदे कि धर्म तो निकले पर असीं अपना धर्म बना लिया। जिदा इतने मैसेज कहते गर्जा जरा मुक्ति ते खुदा कह लो मुक्ति आ कह लो मुक्ति वो कह लो वचन सारे मनना हुंदा यीशु मसीह दे कोल आए और सवाल पूछदे आ। लूका दी किताब 5 बाब दी 30 बाब और ओदी 33 दी नोट कर लो, बाद पढ़ना है। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਰੱਖਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਲੂਕਾ 5:30 ਪੜੀ ਆ, ਮੈਂ 33 ਪੜੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖਿਆ ਲੇਵੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜੁੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ? ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰੀਸੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜਿਆ ਧਰਮ ਦੇ। ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਲਗਭਗ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਮੱਤੀ 9:14 ਚ ਤਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਫਰੀਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੜੋਗੇ ਇੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰੀਸੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰੀਸੀ ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਰੂਰ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਲੂਕਾ 5:29 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਲੂਕਾ 5:29 ਔਰ ਲੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਸਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਕੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ
जो उन्होंने नाल खान बैठे सन वड्डी भीड़ सी मसूली कोई धर्म के बंदे नहीं तो होर इदा के कई कटे हुए उन्होंने नाल ही प्रभु यीशु मसीह आ गया पार्टियां ला लो बैठा देखिया और जो खाने पीने खा रहा मसूलियां पापियां और इस तरह के कई लोगों जाजकां बैठा नहीं खा रहा पादरियां दे नाल नहीं धर्म के लोगों के नाल नहीं हैकल के पुजारियों के नाल नहीं किहना नाल बैठा खा रहा पापियां मसूलियां दे नाल और मसूलियां दे नाल पापियां दे नाल बैठा खा रहा हालेलुया सचमुच धर्म मनने वाले लोगों को परेशान कर दे सचमुच क्योंकि उन्होंने लिखता है उन्होंने घर वाले हमें आत्मा की अगवाई ना नहीं चलेंगे पर कोई बंदा उन्होंने झूठा नहीं कर सकता भी जिन्हें मर्जी रल जाओ हमें कोई झूठा नहीं कर सकता क्योंकि हवाले उन्होंने पक्ष में ही है हालेलुया सुन रहे हो जो सेट हालेलुया मसूलिया ना चुंगी रहने वालिया ना पापियां ना और ऐसा दे कई कटे किए हैं और धार्मिक लोग सचमुच परेशान हो गए और उन्हें पूछ रहे कि ये की चल रहा नवा जिन्हें धर्म खड़ा कर लिया कलीसिया नाल रल के और हां भी धर्म तो मनना चाहिए सारा ठीक है गल्ला तां ही नहीं अगे होके प्रभु यीशु मसीह नूं सवाल पुछिया जाड़ी झिड़किया जाड़ी ताना दिता जाड़ी दोष लाया फिर तू लिखता मानदा तू वचन मानदा असीं वर्त रखदे फरीसी रखदे सब रखदे आ धार्मिक तौर पर अगर गल की जाए लिखता के तौर पर गल की जाए तो वो सच है जेडे सवाल पूछ रहे सही है धार्मिक तौर पर बिल्कुल सही है वो ठीक है आमीन फरीसी जो उन्होंने चेहरे और जिन्हें भी रले आ 100% ठीक बोल रहे हैं आमीन असी क्यों इन्हें वर्त रखते हैं तेरे चेले नहीं रख दे तू रखना है तो यीशु मसीह ने उन्होंने जो जवाब दिता तो हवाले नहीं चुके लिखता की बहस नहीं आ हवाला आ ये नहीं उन्हें कहा मेरे ख्याल का मतलब कि यीशु मसीह ने डॉक्ट्रिन दे तरीके के नाल उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिता ना फरीसियां ना दूजियां आमीन सिख्या दे नाल जवाब नहीं दिता ने बंदे ने जवाब दिता ने बंदा पेश किया सिख्या ने क्योंकि बंदा जीवन नहीं सिख्या जीवन नहीं सिख्या सारे मान रहे जीवन नहीं है यीशु मसीह सिख्या पर करके अपने आप को पेश कर लिया और कह दिया जब तक जीवन आदा जब तक दुल्हा दा लिया तब जनेती जनेती हुंदा नवयान नाम पता होवे जेड़े बरात दे नाल जांदे हालेलुया तब जनेती जेड़े हाडे वर्त रख सकदे हां क्योंकि जब नाले दी हजूरी है हमेशा
कभी कोई दुखत नहीं होगा, माला दान हो गए कभी कोई शोक नहीं करेगा। दस रहा कि सिक्ख्या लेके बैठे है प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग के तौर पर डॉक्टरिंग के तौर पर सिक्ख्या या सिद्धांतों के उत्ते कुछ भी लफज नहीं बोलिया, ना तो उन्हें पुराने नियम का हवाला चुकिया, कोई कुछ नहीं किया उन्हें। हालेलुया गुरु और मैं सब कुछ है। कोई भी जवाब नहीं दिता जो धार्मिक तरीके रब तक पहुंचिए सर्वशक्तिमान रचनहाराया मुक्तिदाता है, छुटकारा देने वाला है, रचनहाराया सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी जो रब तक पहुंच गए। पर इन्हें कोई लफ्ज नहीं बनता है, कोई होर बनते डॉक्टर ही नहीं वो सर्वशक्तिमान है डॉक्टर को बना ले अपने आप पेश कर दिता। जो अपने आप को पेश किया तो देखा मैं लड़ा हाँ और जब तक लड़ा चुनौतियां के लाल है प्रार्थिया के लाल है जो लाड़ा है जो ब्याह हों लाड़ा हों ना लाड़ा धरती सब तो आनंद वाली सुख वाली सुखदाई खुशी वाली आनंद वाली मजे वाली गल है। हालेलुया जो सर्वशक्तिमान है जो रचना आ रहा है जो उन्हें कोई नहीं दसिया उदो डरा है उदो ध्यान है क्या यह धर्म है पर जो लाड़ा आया हालेलुया जो लाड़ा है फिर खाना पीना है जो लाड़ा है फिर अपनी गल है। हालेलुया धर्म जो है उन्हें पेश करता दूजे धर्म वो कर रहा उस सर्वशक्तिमान द्रोड़ाया प्यारे किया पसंद करने वाली आ गया ऐसा होता सब डरे सके उन्हें सब डरा के बताए सी। हालेलुया मैं प्रचार कर रहा मसीह धर्म के विरोधी। हालेलुया पर लाड़ा तो बड़े आनंद की गल होती है लाड़ा तो खुशी वाली गल होती है लाड़े रात भी सैल्फियां लेते हैं लाड़े दे मुझ को छोड़ने आ चुके के लाड़े के रात भी खाना चाहते हैं कुछ उस पर कोई डरते नहीं है इस कोई धार्मिक लेना देना नहीं जो लाड़े की गल आई। हालेलुया आमीन कि तुम सोचिए कि वो जो अति पवित्र है वो जो सर्वशक्तिमान है साडा प्रभु यीशु मसीह वो जो रचण वाला है वो साडा लाड़ा है वो साडा दुल्हा है। आमीन
लाने का मतलब सब तो वध सुखदाई जी, सब तो ज्यादा आनंद देने वाली जी। हालेलुया। और लाने की मौजूदगी कदे भी डर नहीं, जो लाड़ा आया तो डर कह दे। हालेलुया। क्योंकि लाड़ा इतना प्यारा आ, लाड़ा इतना सोहना आ, लाड़ा इतना प्यार करने वाली चीज आ, उदो तो डरता नहीं ते लाड़े तो डरे। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह साडा लाड़ा है। आमीन। ऐसा उसकी लाड़ी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह रे क्या सर्वशक्तिमान है ते या ओ तनचला है ते या ओले क्या लाड़ा है ते मौजूद है ब्रातियां दे नाल है ता ब्राती फे वर्त किदा रखण गए। धार्मिक कोई नहीं उन्हें बदलिया कुछ भी, धार्मिक कोई गलबात नहीं की उन्हें, ना धर्म की कोई गलबात की है। हालेलुया। हो सकता से पत्र जो ना उन्होंने भी हालेलुया का नारा लाता हो। चंगी गल है। देखो प्रभु यीशु मसीह साढ़े लिए इना वाद है। आमीन। साढ़े लिए सब कुछ है। वो साडा परमेश्वर है, वो रचनहारा है, वो साडा प्रभु है, वो साडा स्वामी है, वो साडा लेला है जिन्हें सारे साडे पाप उठाने हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो कबूतर है जो जीवन मानता है और वो साडा नारा है जिथे डर खत्म है, जिथे सारे पैर खत्म होने, रिस्पेक्ट आदर का सिखाना है। आमें। और बाइबल के अंत में भी जो बाइबल खत्म होती है प्रकाश की पूर्ति कहती है कि आओ आनंद करिए निहाल होइए लेले का ब्याह जो भाग और उसकी लाड़ी ने प्रिया को तैयार कर दिया। हालेलुया। और लाड़ा कह के अपने आप को पेश कर धार्मिक सिख्या दे धार्मिक रस्ता रिवाजा जो कुछ सिक्ख्या दे रहे थे उस विचारधारा उस सोच के बिल्कुल उल्ट से। आमीन। हो सकता कि नवे भैन भरा बचे हो प्रभु चाहे हो तभी भैन भरा वो जब प्रभु के कोल पहुंच करते हो डरो ना अपने दिल को खोलो उस नाल अपने दिल दियां गल्लां करो वो बड़ी ताडे लई सुखदाई चीज चाहिए वो मैं सुखदाई पानिया के कोल लै जाता है झरनिया के कोल लै जाता है। आमीन। वो सुखदाई है वो प्यारा है वो बादल भी है भाई उन्हें गीत गाते। हालेलुया। हुण कौन तू पति है मेरा तू मेरा लाड़ा है इस तरह की प्रार्थना करो धार्मिक नहीं रिवाज वाली नहीं प्यार वाली प्यार की भाषा वरतो लाड़े तो लाड़ी वाली भाषा वरतो। हालेलुया। ऐसा करनी है सब कुछ धार्मिक तरीके नाल ही ना करिए ये तो परे है। आमीन। थोड़ा जा बहुत ऐ किसी ना किसी तरह धार्मिक प्रभाव हेठ है इसलिए असं उदा के काम करते हैं पर प्रभु नहीं चाहता कि असं उस तरीके ना विचरिए वरतीए जा उस तरीके दे नाल चलिए। आमीन। ये बड़ा सौखा है दुआ कर तू जो धरती आकाश का मालिक है तू जो रचनहारा तू जो प्यारता गया तू जो मुक्तिदाता तू जेड़ा दुनिया को बनाने वाला इदा दे लफ्जा दे नाल प्रार्थना बहुत होंगी और धार्मिक तकनीक बन गई। आमीन। और जिदा भाई होने गीतों च काफी चेंज लिया जाने गीत होना साढ़े सब चेंज लिया जिदा उन्हें गीत गाए बालम ने इदा की प्रार्थना बहुत घट है कि हे मेरे बालम हे मेरे दुल्हे मेरे लाड़े। आमीन। हालेलुया। देखो ये जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह ने विचार लिया लाड़े वाला
धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। आमीन। इसलिए मैं कह रहा कि पता नहीं लगता सान कदों असी किसी धर्म के शिकंजे च फस के होंगे और सुभाविक तौर पर जो असं मान रहे होंगे हाँ जो बिल्कुल संपूर्ण सच हों पता ही नहीं कदों धर्म का एक रूप लै चुका हों। इसलिए असं अपने आप को चेक करते रहना चाहे चाहिए अपने आप को चेक करते रहिए जांचते रहिए। आमीन। ताकि धार्मिक ना बन जाइए क्योंकि धर्म का मतलब है परदा लुकना। आमीन। हालेलुया। दैत्य प्रभु यीशु मसीह ने कोई सिक्ख्या नहीं बोली कोई धर्म की गल नहीं की कोई सिद्धांत या रूल या निजम या कानून या व्यवस्थावां दी गल नहीं की पर अपने आप उन्होंने पेश किया कि मैं लाड़ा है और ये जलेबी है। हालेलुया। बस इन्नी गल और असं भी अपने धार्मिक जो विचारधारा को फड़िया है प्रभु के बारे में परे सकिए कुछ नवा लीए क्योंकि वह कह रहा कि नवा लो कुछ क्योंकि उन्हें कहा जो नवा यदि पुराने ना चपेटूंगे तो ना पुराना चाकी ना होंगे उन्हें कहा कि चाकी ना होंगे ठीक है ते नवे नहीं नवा सत्या आओ कुछ पुराने नु कटिए संस्थावां दे विचार वो सब कुछ साडे अंदर भरिया गया वो सब नु कट के असीं कुछ नवा लईए। हालेलुया। बहुत कुछ लोड है जो साडे धार्मिक बढ़ गया या घुसिया आया वो दवाई कट सुटिए और जीवन दे नवे मार्ग दे उत्ते चलिए। हालेलुया। बहुत गल्लां हन मैं होर गल कर रहा तुहाडे नाल लाड़ा सुखदाई है खुशी वाली गल है ओदी हजूरी च आनंद दी भरपूरी है। हालेलुया। आमीन। जदों लाड़ा आया लाड़ा कद नहीं हुंदा प्यार करन लई जो लाड़ी की गल है तो प्यार की गल है क्योंकि लफ्ज़ युग में जुड़िया है। आमीन। जब प्यार है उसे ना कोई फॉर्मेलिटी है ना कोई निजम है ना कोई कानून है ना कोई सिक्ख्या है कि प्यार दे विच सिक्ख्या है निजम है कानून है असूल है प्यार गलत है वो गलत है प्यार वो प्यार ही नहीं है प्यार च कोई निजम नहीं होंगे प्यार च कोई डॉक्टरी नहीं होंगी प्यार का प्यार होंगे और उन्हें कहा कि मैं लाड़ा मैं इन्हों प्यार और नहीं कोई निजम नहीं कोई कानून नहीं खाओ पियो आनंद करो। हालेलुया। और जे सचमुच ही किसी नाल प्यार करते हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ जो सब धर्म जमानिया सिक्ख्या वो सब परे सुट देना चाहिए क्योंकि लाड़े की हजूरी साढ़े बेच है जो लाड़े की हजूरी साढ़े बेच है तो आनंद है। हालेलुया। और जो लाड़ा साढ़े बेच है जिनी देर तक लाड़ा बेचिया बरात दे उत्साह है क्योंकि उत्साह भर के रख रहा है। हालेलुया। आनंद करो नारे लाओ खुशियां मनाओ धन्यवाद करो वडियाई करो सानू आनंद नाल भरे होना चाहिए क्योंकि लाड़ा साडे नाल अज भी मौजूद है। तो प्रभु
यीशु मसीह ने एक किया। आप दो चार गल करा होर मैं बहुत जरूरी गल करनी चाहना करा बहुत मत्ती की सारी किताब है प्रभु यीशु मसीह ने यह किया कि मैं लाड़ा हां ते ये जनेती है धर्म हजम होना धर्म हजम नहीं होना हाले लुया फिर गया कि रब न मन दे हाले लुया मैं काफी इतने लिखिया कई गल कह रहा कि मैं लाड़ा हाँ ये जनेती हाँ नंबर एक नंबर दो फिर उन्हें किया मत्ती की किताब 22 बाब दे विच कि असी ओ मेहमान हैं जो ब्याह च सदे गए साडा गाड़ी दा संबंध किदां है धार्मिक वाली छड़ दो कि भटकी करनी बैठना डरना आप दूजे तरह लेने धर्म च परे हो मत्ती की किताब 22 बाब 1-10 तक वो कह रहा कि ए ओ मेहमान हां जो ब्याह दे भोज विच सदे गए हालेलुया और ये जानते हैं कि पिता ब्याह दे भोज तैयार कर रहा है और ये सारे ब्याह दा भोज अटेंड करन जाना या ऐ सारे बराती या ऐ सारे मेहमान या मेहमान जो चाहते या ब्याह दे विच डर नहीं या नचना गाना खुशियां नारे रोले या हालेलुया और फिर ये देखते हैं असि जो बच जाते हैं तौबा करते हाँ बपतिस्मा लेते हाँ तो सू सद्दा पत्र मिल गया ये सद्दा पत्र मिलया कि इस ब्याह के भोज में मेहमान बन के जाना है आमेन ब्याह के भोज के लिए बुला रहा ब्याह के भोज की क्या जा के करीदा खाईदा पीदा या आमेन खाईदा या पीदा या क्योंकि उसे आवे तुम्हें क्या खाता पींदा है आमें। आमें। देख दे कि ब्याह च खाना पीना होता है और वो कह रहा मेरा तिना का समान दिया लाड़े ते जनेतियां वाला मेरा इन्हों ने समान दिया कि मेरा ब्याह और उसे गैस ये मेहमान सदे गए हालेलुया जब इस संति चाहते हैं ब्याह को भोज च आए हैं उत्सव मनाने आए हैं अभी दावत दे विच आए हैं वो जीवन की रोटी है असि उसी खाने हैं हालेलुया जब कदे भी पीने चाहते हैं सोचना कि अभी ब्याह के भोज च आए हुए हैं अभी जनेती है अभी बराती आए हुए हैं हालेलुया अभी ब्याह के मेहमान आए हुए हैं हालेलुया बाकी सब कुछ करने हैं ठीक है टेबल लगे होंगे हैं एक होर टेबल लगता है जो पुलपिट टेबल है कमेटी में और प्रभु अपनी मेज से अपने जनेतियां अपने मेहमानों को जिन्हों को सदा है बुला हालेलुया और फिर उन्हें क्या कि ये जेड़े यार ये कुआरियां हैं दस कुआरियां तो नहीं उदाहरण दिते आमेन समझ लग गए ये जनेती यार धर्म का लेना देना कोई नहीं मैं कहां जा रहा है ये की बराती है एक मेरे नाल मेहमान है ब्याह सदे हुए ये कुआरियां नंबर तीन ये कुआरियां हैं हालेलुया मत्ती की किताब 25 बाब जो लाड़े को मिलने नहीं निकले हैं चाहे मैं नर होवा या मादा होवा चाहे कोई भरा हो भैन हो सब यीशु मसीह दी कुआरियां हैं ऐ प्रभु यीशु मसीह दी कुआरियां हैं हालेलुया और ऐ दुनियादारी से बाहर निकले
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਾਤਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਜਮਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ कोई किताब नहीं बाइबल तो इलावा हालेलुया ओ जेरी अजे भी धरती क्या चीजा दुनिया क्या चीजा च कुले मिले हुए आ संसार की मित्रता परमेश्वर के नाल मह रहे आ साडा गोल साडा मकसद साडा उद्देश साडा सब कुछ कुवारी बनना है अपने आप को कुवारी शुद्ध रखना दुनियादारी को रिवाजा को फैशन को सब चीजा को ताकि असि मसीह दे नाल मिलिए क्योंकि असि कुवारियां हां इले दुनिया दे नाल दुनिया दे कम्मां दे नाल धरती दीआं वस्तां दे नाल साडा कोई लेना देना नहीं आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया लाड़े नु मिलना ये साडा असली आनंद है लफ़्ज़ उन्हें बरते क्योंकि उन्हें क्या मैं लाड़ा है ये चुनौती है आमीन ये ब्याह सदे हुए मेहमान है जनेतियां तो लावा होंगे ना मेहमान और भी बहुत कभी जनेते नहीं होंगे आमीन फिर उन्हें ख्याल की गई है कुआरियां फिर वो कह दिया है लाड़ी आमीन ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਰਸਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਮੇਨ ਜਨੇਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਮੇਨ ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਔਰ ਲਾੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਮੇਨ ਔਰ ਇਹ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਆ ਆਮੇਨ ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਮਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਹੈ ਆਮੇਨ 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 ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਆਓ ਮਨ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਤੀ 1
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨੁਅਲ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆਮੇਨ ਇਮਾਨੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਮੇਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਹੀ ਇਮਾਨੁਅਲ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਮਾਨੁਅਲ ਉਹ ਲਾੜਾ ਹੈ ਇਮਾਨੁਅਲ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਮੇਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਾਣੀ ਇਮਾਨੁਅਲ ਲਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਲਾੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਇਹ ਆਤਮ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਲਿਖਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਮੀਕਾ 5:2 ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਲਹੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੁਣੀਏ ਦੁਲਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਲਓ ਹਲਕਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬੋਝਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੋਝ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੋਝਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਲਕੇ ਹੋਵੋ ਆ ਹਲਕੇ ਹੋਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਅਰਥ ਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੋਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਏ 40-40 ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਧਰਮ ਆ
प्रभु बड़ा दूर है, प्रभु की हजूरी दूर है। हालेलुया। ओ पैरो प्रभु मैं ये कह रहा जे तुहाडे कोल ओदी हजूरी है, जे साडे विच ओदी हजूरी है तो साडे कोल सब कुछ है। प्रभु चाहिए मैं पता औखे प्रचार यार मैं भी पता नहीं मेरा भी की होना पर मैं क्या चलन डॉक्टर क्योंकि जो तुम सच बोलना तो तुम सौखा नहीं होता। आमीन। हालेलुया। पैरो प्रभु ओदी जे हजूरी ना लिया तो सब कुछ साडे कोल आ, जे सब कुछ साडे कोल आ ओदी हजूरी है नहीं तो की फायदा। भाई बना नाम ने कहा मोटर लगी बहुत बड़ी बहुत बढ़िया धन्यवाद प्रभु का। भाई बना नाम ने कहा तुम सब कुछ कर लो जे जीवन जीन च फेल हो गए तो सब कुछ ही बर्थ है। दान दे लो, दसवंध दे लो, जो करना कर लो, गीत गा लो, भजन गा लो, गवाहियां दे लो, प्रचार कर लो। यीशु मसीह जीवन है, वो कोई सिक्ख्या नहीं है। हालेलुया। हुण खाण पीण की गल कर रहे से असीं, हुण खाणा भी आ बाद च। आमीन। यूहन्ना आया और उत्थे कहिंदा इह ना खांदा आया ना पींदा आया। आमें। क्योंकि उन्हें जिन्ने काम किते धर्म के पुठे किते, धर्म के उल्ट जाने, फिर सभ्यता ने भी उल्ट होंगे ना बंदे सभ्यक भी इतने बह जाओ इदा कुर्सी डाई जाए खाओ इदा दे परे मारी कुर्सी कई होंगे ना इदा दे। आमें। वो इदा दा ही जिदा इदा लगता है कि भाई इन्हू तो अकले नहीं बैठन दे भी जंगली सिगा। आमें। पूरी तरह मनुखी सभ्यता दे तो पूरी तरह धर्म दे विरुद्ध काम करने वाला। आमें। ठीक है। ऐसे करके फरीसी सदूकी ग्रंथी जाजक या धार्मिक लोग ध्यान नाल सुनियो। आमीन। यहूदी धर्म वाले सच्चे धर्म वाले जाजक फरीसी सदूकी धार्मिक लोग उन्होंने ये कहा कि झूठ है धार्मिक लिखता दे जानकार हवालिया दे बार क्योंकि उन्हें कुछ खाता पीता ही नहीं सीगा उन्होंने को सारी व्यवस्था भरी है खाओ आ पियो आ ना खाओ। आमें। हालेलुया। और इन्होंने की किया सारे जाजकों ने बाइबल दे मारा ने केदे वेच भूतिया वो वाकया ही बड़ा अजीब बंदा सीगा यूहन्ना उन्होंने ओदी समझ नहीं लगती सी तो नहीं इदा ही कम नबेड़ दिता भी ये दुष्ट आत्मा ये भूतिया तो फिर यीशु मसीह आ गया वो खांदा पींदा आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ओदे पिछे आया खांदा पींदा और धार्मिक लोगों ने इहदा जाजकां ने ग्रंथियां ने फरीसियां ने सदूकियां ने और ओदे वल देखिया और ये क्या कि बंदे नूं खाण पीण तो इलावा कुछ नहीं आता ये तो आया ही खाण पीण आ ये तो पार्टियां करन आया धार्मिक बंदे इदां दी भाषा बोल देंदे ये तो बस खाण पीण लई चाहिए इहनूं जिथे मर्जी सद लो पापी होण विशियावां होण जिदा ने मर्जी होण बस ये खाण पीण दा ही है इदां ही है। हालेलुया। आमीन।
फिर किधर को जावे। एक नहीं खांदा सी धर्म ने वो बुरा हाल किया, एक खांदा पींदा आया ये जेड़े लिखता दे मारे मलादा इंटर मैसेज दे ज्यादा मारे ये जेड़े लिखता दे मारे ये जेड़े नॉलेज बड़ा रख रहे हैं वो बेचारा खांदा पींदा नहीं सी कहते दुष्ट आत्मा दे और वो आया फिर खांदा पींदा कहते केनू होर कोई काम ही नहीं है दुष्ट आना वसूलिया ना चुंगी लैन मारिया ना वेश्या वाला पापियां दे नाल ये खांदा पींदा या आमें। मेरे कहण दा मतलब कि सिक्ख्या नहीं चाहिदा जे कोई कानून बना दिता जावे कि नहीं खाना चाहिदा तुहानू कानून बना दिता जाए नहीं खाना चाहिदा आ चीज़ नहीं खानी चाहिदी तो तुहाडे उत्ते बोझ पै गया तो एक कानून बना दिता जाए कि आ खाना ही है बई ये खाने खाना पे तो मसीह है फिर भी बोझ पै गया है ना दोनों तरह बोझ है ही आमें। मेरे कहने का मतलब डॉक्ट्रिन बना देइए भाई आ नहीं खाना फिर कह धर्म का डॉक्ट्रिन का बोझ पाता मसीह कथे है हूँ कहता भी आ खाना आ डॉक्ट्रिन ये बोझ ही है कि नहीं है फिर डॉक्ट्रिन का बोझ पिया ताडे ते मसीह कथे है समझ लग गई। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उत्थे ही कह रहा लूका 7:35 है सो ज्ञान अपने सारे बालकों तो सच्चा ठहरिया आमें। असी ज्ञान दे बालक हाँ ज्ञान दे विद्यार्थी ने गे वो कह रहा ज्ञान जेड़ा अपने बालकों तो सच्चा ठहरिया जाने कि ज्ञान जेड़ा है ये आ कि जिथे सानू लोड़ आ खाण दी खा लो जिथे नहीं लोड़ आ खाण दी ना खाओ। इतों तक पुलिस ने कहा कि जे तुहाडे भरा नूं ठोकर लगदी तां ना खाओ और जे सब को ठीक है तां खा लो खा लो बोझ थले क्यों है ये बोझ थले तो धर्म ने पाया ये सिक्ख्या ने सन बोझ थले किने दबिया आमें। हालेलुया समझ लग गई आमें। लिखिया सो ज्ञान अपने बालकों तो सच्चा ठहरिया इतने विजडम लिखिया बुद्धि लिखी है इत ज्ञान लिखिया आमें। ज्ञान बुद्धि की है मसीह और असी मसीह दे उस ज्ञान दे बच्चे हैं जिन्होंने समझ चाहिदी है मुर्दा लिखत लैके नहीं सब कुछ तय कर देना चाहिए अभी उस बुद्धि के पुत्र या धियां हैं कुछ भी तय करना कुछ भी गल करनी इको ही नहीं साड़ी सारी जिंदगी है जिस असं तय करनी कि करना कि नहीं करना आमें। कई बार तुम धर्म के सारे वाड़ा तोड़ देंगे और उ सही है और कई बार तुम उस दायरे च रहना पैंदा है फिर सही है हालेलुया इसलिए साडे लिए रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए आमें। आ करो आ ना करो आ करो आ ना करो जे बहुत ज़्यादा आ करो होवे जे बहुत ज़्यादा आ ना करा करो होवे तो कि ये बोझ नहीं है जिंदगी की गल करिए जीण की गल करिए मैं मैनू ध्यान लगी आ मैं प्यासा हाँ तो मैं पी सकता पानी इतने बैठा होव मैं बार बार पानी पी जावा पानी पी जावा जनता देखी जाए कि इन्ना पानी पीता मैं तो इन्ना पानी पीना मैं ध्यान लगी है आमें। इतने सारे पानी पी जाने इधर देखी जाने और मैं इतने कला बैठा मैं ना पीता हो और कह रही पानी नहीं पीता बाकी सारे सेवकों ने पीता तो मैं नहीं ध्यान लगी तुम कहोगे कि कोई भाई है बहुत ज़्यादा खा रहा तो ता बहुत ज़्यादा खा रहा भी ज़्यादा भुख लगी है कोई नहीं खा रहा तुम कहो खाता नहीं उन्होंने नहीं लगी भुख ता नहीं खाता
मतलब कहण दा कि जिते खाना खाओ यही प्रभु ने कहा, जिते नहीं खाना ना खाओ, जिते पीना उते पी लो, जिते नहीं पीना ना पियो। यदि डॉक्ट्रिन की क्या लोड़ है, धर्म ने डॉक्ट्रिन बनाई और ये डॉक्ट्रिन बूझ है। ये सिख्यावां जिहड़ा सानू बन्निया है सानू बोझ दे हेठ दबिया है। इसने मैं ऐत पढ़ी कि प्रभु कह रहा जल थल पानी दे हेठा चल जाओ, भावें जिते मर्जी चल जाओ, तो एक प्राण किन्ने बचाउणा जिते मर्जी चल जाइए। और जो उन्हें फड़ के ले आंदा फिर उन्होंने कहने आ सिख्या मान इदा भी तेनों करना पैना कर। प्रभु ने कहा सिख्यावां उत्थे इन्नियां लत दे आ, उत्थे लिखिया सारा उन्हें दूणा नरक का पुत्र बना दिने। और उन्हें क्या प्रचारकों क्या जाचकों भी ताडे उत्ते हाए तो स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दें। कौन कर दे? प्रचारकों कह रहे हैं, क्योंकि सिख्यावां का बोझ लद लद दिंदे लोगों के उत्ते, मसीह नूं लाभे कर दिंदे आ। और निजमा असूलां सब चीज़ां नूं तोड़ के जीवन नूं फड़िए। धर्म के किसी चक्कर च ना पईए। हालेलुया। देखो जदों तक तुहाडे उत्ते कोई रूल ही नहीं लगा, निजम नहीं लगा, कानून नहीं लगा, सिक्ख्या नहीं लगी, तो आजाद है। जो आजाद है तुम खुश है, तुम कहीं बोझ हेठ ही नहीं। समझ लग रही? हालेलुया। सारे कानून, सारिया विधियां, सारिया सिख्यावां जो धर्म दियाँ धर्म बना लेंगे। मैं बाद च कोई आलोचना ना करे भी वह गलत कर दे, पर चार धर्म की गल कर दे जो धर्म बनता, भावे साडा मैसेज ही क्यों नहीं, जिहड़ा मर्जी हो। सारे वो रूल रेगुलेशन, सारिया वो डॉक्ट्रिन टीचिंग जिन्या भी आन वो बोझ। पर जो यीशु मसीह आया मत्ती 11 च कह रहा हे सारे बोझ हेठ दबे हुए लोग मेरे कोल आओ, एक आधी गल कर दा सिख्या दी आ, हे सारे बोझ हेठ दबे हुए लोगो मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम दियांगा। हालेलुया। तुसी जिहड़े बोझ दे थले दबे हुए लोगो, तुहाडे जिन्हां दे उत्ते बहुत ज़्यादा भार लद दित्ता गया जाजकां फरीसियां सदूकियां दे राहीं, तुसी मेरे कोल आओ। हालेलुया। तुहानू मेहनत करन दी लोड़ नहीं, तुहानू बोझ चुकन दी लोड़ नहीं, तुहानू बहुत ज़्यादा तंग होण दी लोड़ नहीं आ। तुहानू रूल रेगुलेशन सिख्यावां सिद्धांत कीते और जथेबंदियां आ खाओ आ ना खाओ आ पी लो आ ना पी लो, वो कहता भुल जाओ इन्हें बारे च, हल्के हो जाओ, आ जाओ मेरे को, ये सारे बोझ सिख्या दे चुक दिया गया। हालेलुया। आमीन। ते जेड़े सारे तपे हुए हैं बोझ हेठ भार दे हेठ। आमीन। मसीह की कह रहा मेरे को आओ क्योंकि मेरा बोझ बड़ा हल्का है। हल्का रहने नहीं दिता भार होने बंदियां नूं, बहुत बड़ा हल्का बहुत सौखा मनना, मेरा भार हल्का, मेरा जूला हौला है। हालेलुया। मेरा जूला जेड़ा बहुत हौला है। आमीन। जानिए फ्लैक्सीबल आ, भुख लगी खा लो, नहीं लगी ना खा, त्या लगी पी लो, नहीं लगी ना पियो। इतों तक तुम मूर्ति पूजकों के चक्कर फस गए, तुहानू खाना पैंदा, वह कहिंदा मैं इहनूं कहिंदा खाण लग पो जाके, तुम फसे इदां दी कंडीशन आ गए। वो फ्लैक्सीबल आ, फ्लैक्सीबल हुंदा लचकीला, वह कहिंदा भी ठोकर ना लगे, ठोकर दे कारण नहीं बणदी। ते ठोकर कदों लगदी? जो सिख्या ते अड़िया बंदा, कि सिख्या ही ठोकरां नहीं लवाउंदी। पूरे पंजाब नूं किहने तोड़िया, सारे सेवक हो गए सिख्या ने खुदा को फिर बचना। और मैं कई बार उन्होंने प्रार्थना करता, बहुत टेंशन चाहता कि वह यीशु मसीह तो इन्ना दूर चल गए, बहुत दूर चल गए, सिख्या बहुत ज़्यादा भर गए सिख्या ना। कोई भी सिख्या किसी नहीं बचाऊंगी।
मेरा जूड़ा अपने उत्ते लै लवो, मेरा जूड़ा हल्का है, मेरा बोझ हल्का या। हालेलुया, समझ गए? आखिरी गल असं करांगे, बंद करांगे, 10-15 मिनट रह गए साढ़े को। एक बारी की गल आ, यीशु मसीह जान के घर आंदा जांदा, पर ये नहीं उहदे को भुलेखे ना हो गया, ये सुन दो चंगी तरह, जान बुझ के करदा, वो प्रभु आ, उन्हें सोचा पता है, उन्हें विचार पता। तो एक बार ने गल सबत का दिन सीगा, और कणक विच दी तुरे जा रहा सी ओदा ही। हालेलुया, तो जदों तुरे जा रहे तो चेलिया ने भुख बड़ी लगी सी, खाण पीन की गल कर रहे सी। आमें तो अगर ये चिट्टे चुट्टे तोड़ लें, दोष या किसी की फसल खराब कर रहे, जैदा नाले सबत का दिन काम कर रहे, काम उन्होंने चिट्टे तोड़ लें, किड्डा कि वड्डा कितने सीगा काम, देख लो किन्ना बोझ उन्हें लद्दिया सीगा। प्रभु कह रहा मेरे को आओ, मैं तुहाडे बोझ चुक लूंगा। आमें तू नहीं कणक के चिट्टे वगैरह तोड़ लें, याद आ। हालेलुया, ये लिखिया आ मत्ती की किताब च। आमें मैं इतने आयत नहीं नोट की, उदा ही मैं लिखा नोट किया, मत्ती 12:12 से 2, 11 तो बाद 12 च आ गए असं हूँ। हालेलुया, आमें 15 मिनट बस, और ये बहुत वधिया और समापन में लगता है, इन्हें होना चाहिए कि किता सानू किसी सोच नाल इतों लैके जाऊगा। आमें तो चेलिया ने देखिया कणक ते लगी आ भुख उन्हां, आमें तो आपे ही लग गए, आपे का मतलब कि हुण जदों भुख लगी होवे बंदा आपे दौड़दा, आपे ही लग पे तोड़ ताड़ के ते खाण लग पे। आमें तो देखिया कि किन्ना वड्डा बोझ लोगों ने पाया सी कि कणक का छिट्टा नहीं तोड़ सकता। सबत वाले दिन, क्योंकि सबत का दिन है आराम का दिन, कई करना इदा दे आराम नू जो भुख लगी है, फिर मतलब तसली तो है ही नहीं, उस चाहिदा क्या कि संतुष्टि होवे, तसली होवे। सिक्खिया जिहड़ी आ छिट्टा नहीं तोड़ना बंदे नू सुख दे रही कोई, पर सिक्ख्या च मुकम्मल आ, सिक्ख्या च पूरा हो रहा, इधर तड़फ रहा भुख नू, ये बोझ कितना वड्डा, तां वी छिट्टे वगैरह तोड़े खाण लग पे उत्ते। हालेलुया, आमीन। तो उन्होंने कहा कि ये की करते हैं, सबत नू नहीं मानते, ये सबत नू नहीं मान रहे, ये वही यही सब गल्लां चल दियां जो प्रभु ने कहा आओ थके हुए भारे दबे हुए लोग। हालेलुया, आमीन। मैं तुहानूं यह कहना चाहुंदा, हरेक निजम हरेक कानून, एक भैन मेरे को आई, वो मैंटली वो बेचारी टेंशन च रहिंदी बहुत ज़्यादा, तो वो मैनूं कहिंदी भाई जी वो पति उहदा कहिंदा दुआ करो उहदे लई, तो कदे लई दुआ करनी, कहिंदी मैं बहुत परेशान रहिंदी हाँ, तो मेरे को कई बारी दुआ नहीं हुंदी, मैं दिने भी रात नूं कई बारी करदी, सुबह भी नहीं करदी प्रार्थना, कई बारी रात नूं भी नहीं करदी, तो कहिंदी मैनूं बहुत टेंशन रहिंदी ते परेशान रहिंदी हर वेले। मैं क्या अच्छा, मैं क्या मैं भी नहीं करता, मैं क्या मैं थोड़े तुहानू तो समस्या इदा दी लैके आए तो सच ही दसना, कई मैं क्या कई रातां लंघ जांदियां ते दुआई नहीं कीती हुंदी चंगी तरह, ना सवेरे काली हुंदी, मैं क्या मैं भी नहीं करता। मैं उहनूं इह समझाया कि तू ना जदों दिल करे उदों कर ले, छड्ड तू छड मैं क्या दुआ नूं, तू जदों दिल कर लो उदों तू सेहत ठीक रख, सेहत उहदी खराब हो गई ना, वो बेचारी टेंशन च इस लई क्योंकि उहनूं क्या दुआ नहीं तू करदी, दुआ नहीं करदी, मतलब मैं ये नहीं हुण क्या दुआ छड्ड दो,
मैं क्या जेड़ा रूल या निजम या जो सानू बीमार करता जो सानू टेंशन च पाई है जिन्हें साढ़े उत्ते बोझ ना दब दिता वो काम छड़ दईए हालेलुया मसीह जो आडे को सारे रूल रेगुलेशन सिक्ख्याव सब फेलिया व्यर्थ है जे मसीह को है नहीं तो सारे रूल निजम सिक्ख्याव सबत सब कार है हालेलुया हुण जरा किस हालात ते ध्यान दिओ बंद करन लगे इस तो पहला आमें ये जड़े धर्म ग्रंथी सीगे ये जड़े समाज के सरदार सन ये जड़े उच्चिया उच्चिया गद्दियां ते बैठते सन यूदियां दियां महासभावां दे विच ये जड़े धार्मिक लोग सीगे आमें उन्हें कहा कि तेरे चेले पर ही सबत मानते तू भी नहीं मानना उन्हें क्या तू बच्चे नूं तोड़दा उहदे दोष लाए प्रभु दे उत्ते आमें ते प्रभु ने तो जान के कीता मैं तुहानूं दस्सिया आमें ताकि बहुत लोगों का चुके जेड़े इन्ने लद्दे आ आमें हालेलुया सबत वाले दिन जे कोई भुखा तो भुखा बैठा रहे डॉक्टर ने मने इधर भावे वह ब्लड प्रैशर घट के बेहोश हो जाए पर सबत मने पर सबत जड़ा होना बड़े ध्यान में यह कहना चाहना सबत जी डॉक्टर ने उन्होंने संतुष्ट नहीं कर सकते नहीं सबत की डॉक्टर उन्होंने ढिड नहीं भर रही सी सबत की डॉक्टरिन मनना तो उन्होंने भुखे रखिया कोई डॉक्टरिन किसी बंदे नू सैटिस्फाई नहीं कर सकती है मैं कह सैटिस्फाई है संतुष्ट कर सबत जेड़े मन रहे आमें हालेलुया धर्म ने उन्होंने उत्ते बोझ पाया जेड़े भुखे आ उन्होंने उत्ते भी बोझ है तो यीशु मसीह उन्होंने संतुष्ट कर रहे सैटिस्फाइड कर रहे फिर अज जो छोड़ो सिक्ख्या नचो इतना ही है हालेलुया धार्मिक लोग और धर्म के पैरोकार हमेशा इदा के होंगे वो हमेशा लोगों पर बोझ पाते और ये कहते खाओ आ ना खाओ इदा करो इदा करो इदा दिया चीजा पर प्रभु यीशु मसीह कदे बोझ नहीं पाउंदा हालेलुया जो फिर हटे ही नहीं प्रभु दे कोल आ गए धार्मिक क्योंकि तुहानू पता धार्मिक जेड़े आ जे असीं व्यवस्था नूं मन्नदे आ व्यवस्था नूं तोड़ना गलत आ तू व्यवस्था क्यों तोड़ी और एत बुनियादी साढ़े सब यूदियां दे आके आ तू जनता नाल लई फिरदा पंज सत्त और प्रचारक बनिया फिरदा इदां दीआं गल्लां जद प्रभु ने कीतियां तां प्रभु ने उन्हां नूं सवाल पुछिया कि तुसीं पढ़दे कितना ये सवाल पूछा कि जेड़ी तुम बाइबल पढ़ते हाँ ये पढ़ते कितना बुनियादी तौर पर ची सच हाँ तुम कोई फेल नहीं कर सकता लिखता से लिखता से तो प्रभु ही फेल सगा क्योंकि सबत तोड़ दिता लिखत कहती सबत ना भी तोड़ो मार दो बंदे लिखत ये कहती मार दो एडा तकड़ा बोझ उन्हें क्या कभी दो दबारे नहीं पढ़िया हालेलुया प्रभु ने कहा कभी दो दबारे नहीं पढ़िया जद वो और वो कुछ योद्धे भुखे सी इतने फिर दो दिया और फिर वो योद्धे नाल आ क्योंकि दो दी प्रतिशाया सी परछावा सीगा इतने असली दो सीगा महाराजा जो अपने योद्धा दे नाल उत्थे गुजर रहा सी और इसने चुक रहा पुराने रेप दे उसे रेफरेंस को कह रहा कि तुसीं दो दबारे नहीं पढ़िया और जेड़ा आमें हैकल से चला गया आमें और उत्थे उन्हें जाके वो रोटियां खादियां जेड़ा जाजक तो बिना कोई खा ही नहीं सकता आमें फरीसियों तो ये नहीं कदे पढ़िया
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਜਕ ਜੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮੇਨ ਬਾਪਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੇ ਆਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਬਾਰਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮੇਨ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣੀ ਹੱਥ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਮੇਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਖਾਧੇ ਕਣਕ ਤੋੜੀ ਉੱਦਣ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਆਮੇਨ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਜਕ ਆਏ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਬਾਰਾਂ ਬਾਪ ਦੱਸ ਆਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਰਾ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਆ ਔਰ ਹੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਆ ਆਮੇਨ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਆ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਆ ਕੋਈ ਨੱਕ ਆ ਕੋਈ ਕੰਨ ਆ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਆ ਕੋਈ ਗੋਡਾ ਆ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾਦੀ ਸਿਰ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਆ ਮੈਂ ਹੈਡ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਹੈਡ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮੇਨ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਸੁੱਕਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰਿਨ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਿਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਔਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਮੰਨਣ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਾ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇਲੂਯਾ
लगभग मरिया होया हाथ उसका काम नहीं करता भैनो प्रभु ओनू शब्द चाहिए ज हाथ ठीक चाहिए तुम यीशु मसीह चाहिए ज डॉक्टरी चाहिए ये जो भी कोई कवे गरजा मान लो तू रेपचर च चल जाऊगा उन्हें तड़ा दो कहो मैं ना गरजा चाहिए ना कुछ होर चाहिए ना फरदा मसीह यीशु चाहिए प्रभु यीशु मसीह कद सिक्ख्या के दायरे च नहीं बजता जो लोग बन ले जथेबंदी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिता कि ताड़े विचों केड़ा बंदा है जेदी सबत वाले दिन भेड़ गवाच जावे या खूच ने कुछ क्या खोता या भेड़ नवें भेड़ ने गवाच जावे आवें और जा खूच डिग जाए तो तुम की करोगे उन्हें क्या कढ़ोगे नहीं तो आदमी भेट तो कि उत्तम है दूजे शब्दों चो ये कह रहा कि जे मैं इस मैंबर दे दे अंग चंगा कर दिता तो की खराबी क्योंकि भेट किसी झुंड का अंग है उदी उदाहरण लै रहे हैं किसी झुंड का हिस्सा है हालेलुया हाथ किसी देह का हिस्सा है वो देह का भाग है हालेलुया जिदा भेट झुंड का भाग है आमेन तो सबत वाले दिन प्रभु यीशु मसीह ये दिखा रहा है एक मैंबर एक हाथ को चंगा करके आमेन कि अपनी गुआची हुई भेट को बचा रहा हुण इत्थे बड़ी हैरानी दी गल जो सिखिया मनदा जो मनाउंदा भेट गई सी मैं नोट कीता है अपने जीवन च कि बहुत सारे भैणा भरा आ ग्रुपवादियां बनियां कई कुछ होया उन्होंने की किया सिखिया नूं मन्निया भाईचारे नूं तोड़ दिता उन्हां नूं सिखिया चाहीदी है भाई दा हाथ सुक्का रवे कोई परवाह नहीं दे अंग जेड़ा है वो सुक जाए किन्या ने किते एक अद्धे की गल नहीं किन्ने सिखिया मनी भाईचारा तोड़े और साडा ये हाल हो गया भी किन्ने धड़िया च बंड गया सी आमेन हालेलुया सबत होवे ना होवे सबन मनना जा ना मनना यीशु मसीह की इस माड़ी जी दिलचस्पी नहीं सी प्रभु यीशु मसीह की सारी दिलचस्पी इस सी कि बंदे का हाथ ठीक होवे धार्मिक आगुआ दी धार्मिक प्रचारका दी इहड़ा सारे पास्टरां दी सारे दे योर सिक्या मन सिक्या मन सिक्या मन भावे तू सुक्का ही रह यीशु मसीह कह रहा नहीं सिक्ख्या नूं छड्ड तू पे ते हाथ लै भाई सिक्ख्या नूं परे कर तेरे जी ओ गल कर रहे सिक्ख्या दी ओ गल कर रहे सिक्ख्या दी पे दा हाथ सुक्का रह जवे सिक्ख्या मंडे यीशु मसीह सिक्ख्या दी रही जीवन दी गल कर रहे हो क्योंकि जीवन दाता है हालेलुया यीशु मसीह की दिलचस्पी आ कि देह का जो मैंबर मर गया आ जो देह का अंग सुक गया आ उन्हूं भी ठीक करिए सिक्ख्या के कानून सिद्धांतों पता करके अपने भरा नूं जित लईए देह का अंग बचा लईए जीवन उच लै आईए असीं की करते हैं चैक कर लईए अपने आप नूं सिद्धांत कीते रूल रेगुलेशन प्रभु इन्हां दी परवाह नहीं करता प्रभु गवाची हुई भेट की परवाह करता सबत तो सानू यही सबक मिलता है सबत तो आमें
कि प्रभु शब्द का मालिक है। शब्द की आ सिख्या, हरेक सिख्या का मालिक प्रभु। आमें। पर जो भाई बचाने की गल आती, जो किसी सुके हुए गुआचे हुए भेट की गल आती है, तो आज सिख्या थोड़ी जी परे कर दी है, बखी ते ला दी है, इधर साइड ते कर दी है, फिर भेट के पिछे जाइए। हालेलुया, आमीन। गुआची हुई भेट न बचाइए। अज बस खत्म करन लगा मैं। अज मसीहत दे विच मसीहत दे कोल रूल आ, रेगुलेशन आ, निजम आ, सिख्यावां हन, सिद्धांत हन। मसीह नहीं, मसीह है नहीं साढ़े को, सिख्या दे समार आ, रूल रेगुलेशन दे मार आ। क्यों? क्योंकि मसीह की परवाह नहीं करते, सिख्या की परवाह करते, निजमां की परवाह करते, सिद्धांतों की परवाह आ, उन्होंने हवालिया की परवाह आ, आयतों की परवाह आ, डॉक्टरों की परवाह आ, फॉरमैलिटियां की परवाह आ, रीतों की रस्मों की रिवाजों की परवाह आ, देह दे सुके हुए अंग की परवाह। अपने सिर झुका लेने, अखा बंद कर लेने, किसी की व्याख्या नहीं। मसीहत दे कोल सिख्यावां हन, रूल हन, निजम हन, अखा बंद सब दियां। अपने आप से झाती मारिए की कर रहे, जे मसीह ना होया साडे कोल की फायदा, बेकार आ। सुके हुए हाथ दी, सुके हुए मैंबर दी, मसीह दी देह दे अंग दी कोई परवाह नहीं। गुआची हुई भेट दी कोई परवाह नहीं। परवाह है तो सिख्या दी। मसीहत, मसीही ये धर्म नू मनन वाले, मैंने उम्मीद अखा बंद कीतियां, झातियां मारन की कोई लोड़ नहीं, ना सेवक जां जिहड़ा मर्जी दुआ करदे आ। कोई परवाह नहीं करनगे, तुसी सुके होए हो, तुसी मरे होए हो जां जींदे हो, तुहाडी तद तक परवाह करनगे जद तक तुसी उहनां दी सिख्या मानदे चलण दो। तुहाडी तद तक परवाह करनगे जद तक तुसी उहनां दी सिख्या मानदे, तुसी उहनां लई बहुत वधिया हो जद तक तुसी खुदा कहिंदे, तुसी उहनां लई बहुत वधिया जद तक तुसी गर्जा मानदे, तुसी बहुत वधिया जद तक तुसी गवर्नमेंट जां कोई बंदा मान रहे, तुसी मरे आ जां जींदे आ इहदी परवाह नहीं, तुसी हरे आ जां सुके आ इहदी परवाह नहीं। तुसी सुके हाथ नाल खुदा कही जाओ मंजूर आ, सुके हाथ नाल शब्द मनी जाओ ठीक आ, उन्हां नूं परवाह नहीं है। फिर आराम तुहाडे कोल कित्थे आ? सुके हाथ लई, सुके मैंबर लई आराम कित्थे आ? उहदा तां हाथ काम नहीं करदा, उह तां बेचैनी च आ। शब्द मनी जाओ ये आराम देगा, व्यवस्था मनी जाओ, कानून मनी जाओ ये आराम देगा। दूजे शब्दों च यीशु मसीह ने कहा मैनू शब्द की कोई परवाह नहीं, मैनू जे परवाह आ गुआची हुई भेट की परवाह है, अगर मैनू परवाह है तो अपने कंग की परवाह है, सुके हुए हाथ की परवाह आ। पर धार्मिक लोग कहते अं बड़े मजबूत हैं, अं बड़े स्ट्रोंग हैं, अं बड़े कट्टड़ हैं, अं बड़े आत्मिक हैं, साढ़े को सारे निजम हैं, कानून हैं,
सानू कोई फेल नहीं कर सकता इहदे मन च अहीं सब कुछ मन रहे हैं। पर उधर यीशु मसीह कह रहा मेरे कोई कानून नहीं, मेरे को कोई सिक्ख्या नहीं, मैं कोई व्यवस्था नहीं, मेरे को कुछ नहीं है, पर मैं तो एक गुआची हुई भेट नूं बचाउणा। मैं सबत दी सिक्ख्या दी निजमां दी कानूनां दी कोई परवाह नहीं, मैनू तो गुआचे हुए मैंबर की परवाह, मैनू तो सुके हुए हाथ की परवाह है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई निसम नहीं मनिया, सब तोड़ के सुके हुए हाथ में चंगा किया। जो हाथ ही सुका आ तो सबत का की मतलब आ? जो हाथ ही सुका आ डॉक्टरी कोई मनण का फायदा ही की है? पर सुके हाथ में चंगा कर देना यह मतलब है। अब्राहम ने कहा आदमी की सिक्ख्या बिल्कुल ठीक हो बे, बंदा गलत है, उन्हें क्या बचो इन्हें तो बंदे ने उन्हें क्या सिक्ख्या गलत है, बंदा ठीक है कम का है, कितने गए रूल कितने गए निजम कितने गई सिक्ख्या। प्रभु यीशु मसीह साढ़े ते दया तू फिटकारिया है प्रचारकां जाचकां, और तू क्या कि इस स्वर्ग के दरवाजे बंद कर देंदे, काश कि असी इदा दे ना होइए प्रभु, लोगों के उत्ते बोझ ना पाइए, दबा ना पाइए, गुआची हुई भेड़ का फिक्र करिए, सुके हुए हाथ नूं सुकण ना देइए, उन्हूं चंगा करिए, चाहे फिर निजम कानून व्यवस्था धर्म दियां तोड़ने पैन, साढ़े ते दया कर दे साढ़े ते रहम कर दे। मैं सारी सभा को तेरे हवाले कर दिया, हर एक भैन भरा को तेरे हवाले कर दिया, प्रभु दया यीशु मसीह के नाम के दुआ कर दी, आमीन। तो ही अपनी प्रार्थना च रहो, अखां बंद रखो, बाकी का समा सेव ध्यान। और जब साहब ने असी सिरां नूं झुकाया होया है, आओ अज दे प्रचारे गए वचन दे लई प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करिए। सब अपने होंठां खोल के आओ प्रभु यीशु का धन्यवाद करिए, जिस प्रभु ने सानू जीवन की रोटी दिती है। आओ सब मिलकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं।